फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यार मेरी मम्मी ना कोई एक शो देख रही है आजकल, ठीक है? तो उसमें ना बाबा चिली चीज टोस्ट बोलते हैं, तो मम्मी ने कहा मुझे भी चिली चीज टोस्ट खाना है। तो मैंने सोचा है चलो आज चिली चीज टोस्ट बनाते हैं, ठीक है? मेरी मम्मी को पसंद आया तो आप लोग को भी पसंद आएगा। तो उस टाइम को क्या क्या चाहिए? चिली चीज टोस्ट है तो हमको चाहिए चिली, हमको चाहिए कैप्सिकम, थोड़ा सा धनिया, ऑफ कोर्स चीज और बटर एंड ब्रेड। तो पहले हम लेंगे हमारी ब्रेड। ब्रेड रखे से, अगर आपको इसकी साइड्स काटनी है आप साइड्स काट सकते हैं, नहीं काटनी तो नहीं काटना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने लिया बोल, इसमें मैंने चार बड़ी बड़ी हरी मिर्ची चॉप करके रखी हुई है। चार हरी मिर्ची आ जाएगी, हाफ कैप्सिकम है, हाफ कैप्सिकम जाएगा, थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है मैंने, थोड़ा सा धनिया जाएगा क्योंकि मैंने इतनी सारी चिली ली है, इसके लिए मैं थोड़ा सा धनिया डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है? ताकि धनिया थोड़ा सा कूलिंग फ्लेवर देता है। और ज्यादा नहीं, सिर्फ दो फाड़ी लहसुन की जाएगी हमारे टोस्ट में। अच्छे से इसको चॉप करनी है, जितना बारीक, देखो आपको ज्यादा डालनी है आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको गार्लिक पसंद है, गार्लिक का फ्लेवर पसंद है, उसकी स्मेल पसंद है, उसका टेस्ट पसंद है, आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट फिर बाद में ये मत कहना यार चिली चीज टोस्ट बनाने गए थे, बन गया गार्लिक ब्रेड, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा ही डालना है। ये मैंने दो गार्लिक डाल दिए छोटे छोटे चॉप करके हमारे बोल में। उसके बाद मैं लिए चीज, ये मैंने दो तरीके की चीज लिए, ये है प्रोसेस चीज एंड मोजरेला चीज। दोनों की अप्रोक्सीमेटली मैंने क्वांटिटी ली है 25 ग्राम्स, ज्यादा नहीं लिए। ये मैंने 25 ग्राम प्रोसेस चीज ली है एंड 25 ग्राम मोजरेला चीज ली। दोनों का चीज का काम अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग चीज ली है। जो प्रोसेस चीज होगी वो आपको फ्लेवर देगा, जो मोजरेला चीज होगा स्ट्रेचीनेस देगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन और दोनों के जो पार्ट है दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत टेस्टी फ्लेवर करता है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ग्रेट करनी है हमारे बोल में। आपको चीज ज्यादा डालनी है आप चीज ज्यादा भी डाल सकते हो, कोई ऐसी नहीं है कि इतनी ही चीज डालनी। मैं इतनी डाल रहा हूं इसके लिए कि एक बेसिक रेशियो बन जाता है। अभी मैंने बटर लिया है, ये हल्का सा मैंने मेल्ट कर दिया है, आप थोड़े बाहर निकाल के रख लेना तो आपको हो जाएगा। एक चम्मच बटर लिया है मैंने, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप कहेंगे यार मानवित क्वांटिटी बड़ी कम हो गई, तो जब चीज हल्का सा मेल्ट होता है और उसमें बटर डालता है और ये होता है तो हल्की सी क्वांटिटी कम हो ही जाती है। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे, आप ऑरिगेनो डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो या इटालियन सीजनिंग डाल सकते हो जो मिक्स हर्ब्स का होता है, कुछ भी। और नमक मैंने नहीं डाला है इसके अंदर बिकॉज क्योंकि आपके बटर में भी पहले से नमक होते हो और प्रोसेस चीज़ों और मोजरेला चीज़ में भी पहले से नमक होता है, तो आपको उसकी नमक की जरूरत है नहीं। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, इट्स योर कॉल। अब देखो मैंने साइड्स नहीं कट करी, आपको कट करनी है आप कट कर सकते हैं, घर में क्या ही साइड कट होगी, होटल्स में होती है साइड कट करके, वो भी ऑप्शनल होती है आजकल। आजकल सब लोग साइड्स प्रेफर ही करते हैं, क्रिस्पीनेस अच्छी आती है। देखो साइड्स थोड़ी सी बाहर से छोड़ देना, वरना होगा क्या, जब आप ये कुक करने जाएंगे चीज़ होगी मेल्ट और हो जाएगी ओवरफ्लो, तो उसको हल्का सा एज छोड़ देना। और इसके अंदर आपके मान प्याज नहीं डाला और कुछ नहीं डाला, प्याज मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्याज छोड़ता है पानी, कैप्सिकम वैसे ही पानी छोड़ेगा। आप इसमें चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी गाजर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं इतना ही ये स्पेसिफिकली डाल रहा हूँ। पानी डालोगे, पानी कह रहा हूँ, प्याज डालोगे तो पानी छोड़ देगा। देखिए हमारे चार टोस्ट हो गए हैं, ये रेडी। ये जो मैंने आपको पूरी रेसिपी बताई है ये क्वांटिटी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6 से 7। देखिए ये मैंने अवन की ट्रे में रख दिया है, अवन को मैंने 200 डिग्री पे पहले प्री हीट कर दिया है। ये हमारा अवन में जाएगा, आप इसको
तवे पे भी बना सकते हो। सेम प्रोसीजर, कुछ नहीं, तवा लेना, हल्का सा बटर डालना है नीचे, और अपनी ब्रेड रख के उसको ऊपर से ढक देना, सिम गैस अपने आप ही कुक हो जाएगा अच्छे से। ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट लगे होंगे, हमारा टोस्ट रेडी है, परफेक्ट। क्रिस्पी टोस्ट, या तवे पे भी कर सकते हो, दोबारा बोलो, सिंपल कुछ नहीं करना है, तवा पर लेना, बटर नहीं डालना नीचे, कोई टेंशन नहीं है, तवा लेना, उसके ऊपर टोस्ट रखना, सिम गैस पे उसको ढक के रख देना, वो हो जाएगा। देखिए मैं आपको कट करके दिखाता हूँ, क्रिस्पीनेस, मजा ही आ रहा है। अगर तो तोड़ के खाओगा ना तो वो स्ट्रेचीनेस भी आएगी चीज की, जो मैं कह रहा था आपको। देखो ये तो हमारा चिली चीज टोस्ट इज रेडी। सी, हमारा चिली चीज टोस्ट इज रेडी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट मी नो व्हाट यू वांट टू हैव नेक्स्ट। Subscribe and hit the bell icon for weekly new recipes.